ए भाई साहब, आईक्यू 11 आ चुका है हमारे पास, BMW Motorsports Edition। ये होने वाला है वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट फोन, क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर आता है, जो हमें फर्स्ट टाइम किसी फोन में देखने मिल रहा है इंडिया के अंदर। ये वाली फीलिंग है ना, ये सेम फीलिंग है ना बॉक्स पे जो है ना, वो अंदर फोन पर भी देखने मिलेगी। और जिनको नहीं पता तो उनको बता दूं, आईक्यू है ना वीवो का सब ब्रांड है, जो लाइक आपको तगड़ी परफॉर्मेंस और प्रीमियम चीजें देगा एकदम मस्त बजट वाली प्राइस के अंदर। और ये रही अनबॉक्सिंग, सबसे पहले यहाँ पर ये रहा डिवाइस, और मैं पहले ही अनबॉक्स करके सारे मजे ले चुका हूँ आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं यूज कर रहा था ना इसके लिए। तो यहाँ पर भाई ये रहा मस्त में वाइट वाइट, यहाँ पर BMW गंदा जादू था। और यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल हो गया, ट्रांसपेरेंट नॉर्मल केस कवर है, कुछ यूजर पेपर वर्क, बहुत ही तगड़ा 120 वाट का चार्जर है, काफी मोटी वायर है यार लिटरली ये, कन्वर्टर भी है टाइप सी टू 3.5 mm वाला। मेन तो माल यहाँ पर है जो महंगा नशा, पावरफुल नशा। और ये है भाई मस्त तगड़ी तगड़ी एकदम स्ट्राइप के साथ में देखने मिलता है, और जो है ना थोड़ा सा फील करवाता है रेस ट्रैक हो गया। और ये ना सिलिकॉन लेदर आता है जो काफी मस्त प्रीमियम फीलिंग करवाता है। बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है, बट यहाँ पर अगर देखोगे ना तो कैमरा बम्प एकदम ना के बराबर मिलता है। ये रख दिया 207 ग्राम 226 ग्राम कवर के साथ में। और जो ये पीछे का इसका व्हाइट कलर हो गया, और यहाँ पर ये जो स्ट्राइप्स है ना, जब आप लाइक ऐसा कॉल्स वगैरह कर रहे हो, आप सब कुछ कहीं भी पब्लिक वगैरह में हो, तो आई कैचिंग वाला पार्ट आता है, मतलब आई हंगर कह सकते हो। सब लोग इसको एक बार जरूर देखेंगे। अगर किसी रीजन से ना आपको ये व्हाइट नहीं लेना होगा ना, तो इसका एकदम मस्त में ग्रे वाला भी आता है, जो AG मैट ग्लास के साथ में मिलता है। अभी देखो इसके अंदर जो डिस्प्ले यूज करी है ना, वो फ्लैट डिस्प्ले है, कोई कर्व डिस्प्ले वगैरह यहाँ पर नहीं मिलती है। अगर फ्लैट डिस्प्ले है तो एक्सीडेंटल टच वगैरह होता है ना, ऐसा हम लोग रख लेते हैं तो यहाँ से टच होने वाला पार्ट होता है, तो वो नहीं होगा। और ये जो कर्व डिस्प्ले होती है ना, इनका जो रिपेयरिंग कॉस्ट वगैरह भी आता है ना भाई, वो भी काफी ज्यादा हाई होता है। अगर गलती से फोन ऐसा टूबुक हुआ तो वहां पर जो खर्चा आएगा ना, वो भाई वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की जो कर्व डिस्प्ले की जो रिप्लेसमेंट है, या फिर जो बेसिकली रिपेयरिंग का जो कॉस्ट आता है ना, 31-32,000 के आसपास हो गया। और अगर फ्लैट डिस्प्ले के भी मैं अगर खर्चा बताऊं ना, तो अगर S22 ले लेना तो उसका 21,000 आ जाता है। और ये अपना आईक्यू 11 है, ये फ्लैट डिस्प्ले के साथ में, और इसके अंदर E6 डिस्प्ले यूज किया है। और यहाँ पर जो कॉस्टिंग आएगी ना आपको, वो समवेयर कुछ 13,000 रुपए के आसपास है, वो भी यहाँ पर मेरे हिसाब से ना एक रीजनेबल वाला पार्ट आ जाता है। और अगर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई अगर मुझे सर्विस वगैरह करनी है तो कहां से करूं, तो वीवो के स्टोर वगैरह में जा सकते हो, पैन इंडिया 650+ सर्विस सेंटर वगैरह मिल जाते हैं। अभी देखो रही बात परफॉर्मेंस और पावर को लेकर, तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर है, और इंडिया में फर्स्ट टाइम LPDDR5X वाली रैम इसके अंदर लगी गई है। वो जो N2 बेंचमार्क के स्कोर निकालता है ना, वो 1,269,000 प्लस का स्कोर निकाल देता है भाई, जो काफी तगड़े नंबर हमको देखने मिल जाते हैं। अगर इसे आप कंपेयर करोगे स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 वाले फोन से, तो उनसे आप देख सकते हो काफी लंबा जंप देखने मिल जाता है। यहाँ पर मेरे पास 3-4 फोन थे इंडिया में, मतलब ये फोन आए नहीं थे, बट आपके भाई ने मंगा के मस्त में रिव्यू वगैरह कर दिया है। बाकी जो Geekbench 5 के स्कोर हो गए, सिंगल एंड मल्टी कोर और GPU के स्कोर काफी सही निकल कर आ जाते हैं, 83% का CPU थ्रॉटल का स्कोर मिल जाता है, जिसमें मैक्स जो जिप स्कोर है ना भाई 375,000 आते हैं। साथ में मैंने PC मार्क का भी टेस्ट आउट करके देखा था, और वहां पे वर्क 3.0 पे जो स्कोर आया था ना, 10,900 प्लस का स्कोर देखने मिला। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, पसंद आ रही है ना भाई की सब चीजें टेस्टिंग एंड ऑल वगैरह, लाइक वगैरह तो कर देना है, साथ में कमेंट का टारगेट रखते हैं इस बार, तो 500 कमेंट्स आ जाएंगे ना, तो भाई सभी कमेंट्स को मैं एकदम मस्त में हार्ट दूंगा, तो फटाफट कमेंट कर देना। और साथ में UFS 4.0 की स्टोरेज भी आ गई है, जो रीड की स्पीड है ना 3400 के अराउंड है, और राइट की स्पीड 2000 प्लस के अराउंड निकल कर आती है, जो कि काफी सही नंबर है भाई। और एक्सटेंडेड रैम 3.0 के जरिए ना आप प्लस 8 GB और ले सकते हो, जो भाई फर्स्ट टाइम आईक्यू के अंदर देखने मिला है। लॉन्च से पहले मेरे पास फोन आ रखा है, और हाँ जो ये वर्डिक्ट है ना, जो भी सब रिव्यू है ना भाई, अपना खुद दिल से दे रहा है, कोई ऐसा ऑन पेपर लिखा हुआ कुछ नहीं है, सब कुछ आपका भाई अपना मस्त में सब रिव्यू टेस्टिंग करने के बाद बता रहा है। यहाँ पर जो प्राइसिंग 8 GB 128 की समवेयर कुछ आ सकती है, मेरे अकॉर्डिंग 55,000 के या 50,000 के अंदर आ जाएगा। एक्चुअल प्राइसिंग होगी हम लोग Amazon का लिंक दे देंगे, तो वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी इस फोन के अंदर एक प्रोसेसर नहीं है, दूसरा एक और आता है, जो लास्ट टाइम V1 चिप थी, इस बार V2 चिप है। आपका एक तो फोटोग्राफी में हेल्प करेगा, और साथ में आपकी गेमिंग में भी हेल्प करेगा। तो इसके अंदर है ना VC चेंबर कूलिंग जो आता है ना, वो भाई साहब काफी लार्जर नंबर देखने मिल जाता है, जो हीटिंग को अंदर अच्छी तरीके से कंट्रोल
रखता है, कहीं ऐसा ओवर हीटिंग के पार्ट की तरफ लेके नहीं जाने देता है। और जितना मैंने ट्राई किया ना गेमिंग के अंदर, एंटीडू बेंचमार्क टेस्टिंग के अंदर, वहां पर इसने थर्मल्स वगैरह या जो हीटिंग वाला पार्ट है ना काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया था। वेट के हिसाब से इसके अंदर जो बैटरी है ना वो 5000 mAh की है, जो भाई एकदम सही तरीके से इन्होंने मतलब रखी है, कोई ऐसा वेट डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ में 120W का चार्जर है, आप 100% चार्जिंग कर सकते हो समवेयर 25 मिनट के आसपास। तो आपके भाई ने एकदम डिटेल BGMI टेस्ट किया है भाई, तो ऑल ग्राफिक्स में सबसे पहले आपको 60 FPS मिलता है, 90 FPS फिलहाल तो नहीं है क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है गेम अभी अवेलेबल नहीं है। और इस बार यहाँ पर एक मोशन कंट्रोल भी एड ऑन किया गया है जो 6 motions को कंट्रोल करता है, जहां पर अगर मुझे लग रहा है ना कि अगर एनिमी है और मुझे रिलोड के बटन को प्रेस नहीं करना तो मैं नीचे से ऊपर लाऊंगा ना, तो भाई वहां पर ये रिलोड करवा देता है, एक अच्छी गेमिंग करवाता है। 50-60 के अंदर वाले FPS हमको मस्त तरीके से निकाल के देता है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक चेकआउट कर सकते हो, अलग हमारा जो गेमिंग पार्ट चला है वहां पर मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया है और इसका फुल रिव्यू भी आएगा और थोड़ा सा यूज करने के बाद में इसी चैनल टेकी पाठशाला पर, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करके रख लेना। इवन मैं ना ज्यादातर आजकल ना क्लैश रॉयल खेल रहा हूँ, इसके मतलब छोटे छोटे गेम होते हैं, फटफट खेल के 5-5 मिनट का ब्रेक हो जाता है और खेल के निकल जाते हैं कहीं और जो भी काम वाम करना है। तो इसके अंदर क्लैश रॉयल भी ना बहुत अच्छी तरीके से चलता है। और भाई एक और अच्छा गेम आ रखा है वो अपना रैक फेस्ट करके, भाई वो मैं खेल रहा था, बहुत हाई ग्राफिक्स गेम है, मतलब +4, 4.5 GB के ऊपर का आसपास तक का डेटा एडिशनली डाउनलोड करता है। और जो इसके FPS आते हैं ना 60 max मैंने रखे है वैसे तो, बट 60 पे भी बहुत तगड़ी स्मूथ मतलब गेमिंग करवाता है रैक फेस्ट। दूसरे फोन के अंदर उसको थोड़ा सा पावर कंज्यूमिंग गेम कह सकते हो आप लोग, भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा है गेम। आप लोग खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे एक बार जरूर बताना कमेंट में। बाकी एक 5G फोन है, इसके अंदर टोटल 9 5G के बैंड आते हैं और मैंने इसके अंदर है ना 5G की टेस्टिंग भी करी थी, एयरटेल का सिम डाल रखा है और इस पर हमें 5G मिल रहा है और मैंने इसका स्पीड टेस्ट भी करके देखा है भाई, तो ऑलमोस्ट ये 300 Mbps टच करवा देता है और डाउनलोड और अपलोड समवेयर कुछ 43 Mbps के आसपास आता है। और रही बात फोन की अगर हैप्टिक्स को लेकर तो भाई वो भी मस्त प्रीमियम निकल कर आती है। सिक्योरिटी के लिए ना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो थोड़ा सा नीचे यहाँ पर होता ना थोड़ा सा सही रहता है, बट अच्छी तरीके से अनलॉक भी कर रहा है जैसे देख सकते हो, एक बार भी फेल नहीं हुआ। और इसके अंदर मेरा एयरटेल का सिम कार्ड जैसे मैंने बताया, तो कॉल्स वगैरह भी करना था तो वो भी मैंने ट्राई आउट करे हैं और ऐसा ईयरपीस को या फिर आपकी जो आवाज जानी है माइक के थ्रू तो वो भी कोई खराब नहीं आती, किसी ने कंप्लेंट नहीं कही है और मुझे भी इसका बोलते हैं ना आउटपुट वगैरह सही लगा है, कॉलिंग मतलब हेलो 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 सब्सक्राइब किया कि नहीं कर लो कितने बार बोले। बाकी आईक्यू 11 में इंडिया में ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा फोन देखने मिल रहा है जिसके अंदर 2K की A6 पैनल वाली एमोलेड डिस्प्ले आती है और 144Hz की एकदम सुपर इंसेन फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में देखने मिलता है। ये है ना लाइक आप कह सकते हो 25% मोर पावर एफिशिएंट है कंपेयर टू E4 पैनल से। और मैं नेटफ्लिक्स के अंदर कंटेंट देख रहा था और वहां पर HDR10 का भी कंटेंट सपोर्ट कर जाता है और जो डिस्प्ले है गोरिल्ला ग्लास विक्टस के साथ में आती है जो एकदम तगड़ी निकल कर आती है, मस्त प्रोटेक्शन वगैरह एकदम हार्ड है। और अगर देखो कुछ नहीं हुआ इस फोन के जो बेजल्स है ना टॉप से लेकर बॉटम तक एकदम नैरो ही कह सकता हूँ और मैंने इसके अंदर कंटेंट देखा गेमिंग करी, मुझे तो डिस्प्ले बहुत ही पॉपी लगा है। और रही बात इसके स्पीकर आउटपुट को लेकर तो 3.5 इंच का गड्ढा नहीं है बट डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं। लाइटर मांगना चाहिए था तगड़े स्पीकर। फनटच OS 13 देखने मिलता है और ये काफी स्मूथ तरीके से काम कर रहा है, कोई ज्यादा ऐसा तंग नहीं करता है। मटेरियल UI डिजाइन है अपने हिसाब से, आइकन के कलर चेंजेस करने तो वो सब मिल जाते हैं। और रही बात ब्लोटवेयर्स को लेकर तो इसके अंदर आए थे बट डिपेंड करता है आपको अच्छे लग रहे हैं नहीं, जैसे कि बायजूस आया था, स्पॉटिफाई, स्नैपचैट, अब बहुत लोग स्नैपचैट यूज करते हैं। बाकी इसके अंदर भी हॉट एप्स और हॉट गेम्स मिल जाते हैं बट नोटिफिकेशन वगैरह मैंने बंद करके रखे हुए। मेन कैमरा 50 MP का है जो GN5 के सेंसर के साथ में आता है। जो मेन कैमरा है ना वो अच्छी तरीके से काम करता है डे लाइट वगैरह में, और समवेयर कभी कभी ऐसा होता है कि ये ना फेस पे एकदम ऐसा थोड़ा सा बोलते हैं ना फेस पॉपी वाला निकाल के आता है, तो वो मुझे थोड़ा सा हल्का फुल्का कभी कभी देखने मिला। और इसके बाद में जो टेलीफोटो लेंस है तो जो पोर्ट्रेट में भी काम आ जाता है, तो वहां पर जो फोटो का आउटपुट है वो भी अच्छा निकल कर आता है, नेचुरल निकल कर आता है। और जो HDR वाली फोटोज हो गई मेन कैमरास वगैरह में वो भी आउटपुट प्रोसेस वगैरह अच्छी तरीके से करता है। 8MP का अल्ट्रा वाइड डे में अच्छा है और वही लो लाइट में अगर जब आओगे तो वहां पर थोड़ी सी डिटेलिंग आपको कम लगेगी। और रही बात सेल्फीज को लेकर 16 MP पर वो भी आउटपुट अच्छा नॉर्मली काम सही तरीके से कर देता है। हाँ बाय द वे आप लोग इस फोन का ना किसके साथ ऐसा डिटेल कंपैरिजन देखना चाहते हो कमेंट में बता देना। इसके अंदर जो V2 चिप आती है ना उसका थोड़ा सा आपको ना सर टेस्ट करके दिखाता हूं। पहले तो यहां पर ही करते हैं हम लोग लाइटें बंद, थोड़ा सा अंधेरा करते हैं इधर। ये किया क्लिक और ये आ चुका है आउटपुट। तो जो रियल टाइम होता है ना वो पूरा प्रोसेस करके देता है V2 चिप। तो यहां पर देखोगे ना अभी ज्यादा लाइट नहीं, सिर्फ एक वो नॉर्मल लाइट निकल कर आ रही है।
और यहाँ पर देख सकते हो भाई जो अंधेरा हो रखा था ना, यहाँ पर पूरा डिटेल वगैरह मस्त में निकल कर आ गया। ये जो वीडियो है ना 4K एट 30 FPS पे खींच रहे हैं और यहाँ पर आप लोग डिटेलिंग वगैरह देख सकते हो। जो वीडियो है 4K एट 60 FPS में खींच रहे हैं और यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन है वो भी आप लोगों को प्रोसेस होता हुआ नजर आएगा। और रही बात फोकसिंग को लेकर, तो ये रहा और ये बाहर, ये रहा ये अपनी फ्रंट फेसिंग वीडियो है, बट यहाँ पर भाई आप लोग 1080p एट 30 FPS पे ही वीडियो ले सकते हो और जो माइक की क्वालिटी है वो भी इससे आ रही है। और हम लोग इंस्टाग्राम पर गए और जो स्टोरी वगैरह लेते हैं ना वहाँ से भी मैंने फोटो को प्रोसेस किया और मतलब स्टोरी डाल के देख रहा था, तो वहाँ पर जो साइज है ना वो 1 MB की बनाता है। 5 से 6 दिनों से ऐसा बैग में लेके पूरा कंप्लीट घूम रहा हूँ। उसी हिसाब से जो मेरा रिव्यू है इस फोन को लेकर काफी ज्यादा सही आता है। बाकी इसका और 2-4 दिन रुकने के बाद में एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगा जिसके अंदर बैटरी वाला पार्ट हो गया और डिटेल में परफॉर्मेंस वाला पार्ट हो गया, वो और अच्छे से समझाऊंगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और 500 कमेंट का टारगेट है भाई, मस्त में हार्ट वार्ट दे देंगे तो फटाफट कमेंट कर देना। और आप लोगों को इसका गेमिंग रिव्यू देखना है तो यहां से क्लिक करके आप लोग मस्त में पहुंच सकते हो। मिलेंगे और हम लोग मस्त में और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय, जय हिंद।